Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV app डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. अरे यार ये ऑटो भी है ना, ये बिल्कुल रुमाल और जुराबे की तरह होते हैं, कभी टाइम पे नहीं मिलते हैं। ये आ गया इसको तो रोकता हूँ। अरे रुमाल रुमाल रुमाल, ये ऑटो 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 रुको ऑटो ऑटो वेरी गुड। गोरेगांव जाओगे? हाँ जाऊंगा। अरे भैया अरे मुझे भी लेके जाना था। अरे ऑटो 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 रुको 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 गोरेगांव जाना है? नहीं जाऊंगा भाई साहब। तो एक काम करो ना, तो आप गोरेगांव मुझे छोड़ के यहाँ वापस आ जाना। यही रुको, मैं होके आता हूँ। अरे लेकिन अरे मेरी बात करे, मेरी बात करे। रोकर ये अब की ऑटो में जाके सीधा बैठ ही जाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे नहीं लेके जाता। चलो भाई मुझे गोरेगांव जाना है, मैं बैठ चुका हूँ रिक्शा में, अब तुम मना नहीं कर सकते। हम जरूर चलेंगे, हमने का मना किए? दो पहिए की साइकिल चलाने की उम्र में ये तीन पहियों की इतनी बड़ी ऑटो चला रहा है? सुबह घर में, फिर स्कूल में, अब ये बच्चों को हो क्या गया है? इतनी छोटी सी उम्र में बचपना छोड़ के ये बड़ों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो उसकी साइज ही ऐसी है, जहाँ होते वहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। क्या घर में होंगे? नहीं नहीं, मैंने घर का पूरा कोना कोना छान मारा, कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे पर इतनी सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा सकते हैं? माँ मोटे भाई, मुझे लग रहा है मानव मेहर हम लोगों के साथ छुपा छुपी खेल रहे हैं, मैं अभी उन्हें ढूंढ के आता हूँ। सब ठीक तो होगा ना? देखिए मानव की भी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। बहुत चिंता मत कर, बच्चे जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। मोटा भाई माना मैं तो अंदर भी नहीं है। मामा एक काम करो, तुम और रॉकी घर में रुको, शायद बच्चे यहाँ घर में आ जाए। हम दोनों, मैं और स्मिता बाहर ढूंढने जाते हैं। चलो स्मिता। हे भगवान, बच्चे जहाँ भी है उनकी रक्षा करना। मिस्टर मानव, तुम हमारे मोंटू बॉस को हिला भी नहीं सकते तो घसीटने की तो दूर की बात है। एए! एए! मैं घसीटूंगा, मैं इसे कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगा, खींच कर लेकर जाऊंगा, उठा कर लेकर जाऊंगा। लेकिन हमारे घर
और ये बच्चों के स्कूल छीनने नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है मिस्टर मोंटू लखानी। मानो बेटा, हाँ बेटा ठीक है। बड़ी चालाक निकली रे भयंकर परी, तो बेचारे बच्चों का तो तूने बचपना ही खत्म कर दिया। अब भयंकर परी जैसे बुरी शक्ति की तारीफ कर रही है? मैं उसके भयंकर दिमाग की तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि हर बाजी दिमाग से ही जीती जाती है। भयंकर परी को पता था कि शैतानी हवा का तोड़ रानी परी के पास भी नहीं है। अगर इसका इलाज है, तोड़ है, तो वो सिर्फ महामाई के पास, और महामाई से ये काम करवाना असंभव है। असंभव आपको ढूंढना था, जो मैंने कर दिया। हे घमंडी पर्वत, घमंड तो खुद छोटा होने की निशानी है, और जो पहले से ही छोटा हो उसे काटकर या तोड़कर छोटा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे आईना दिखाने की जरूरत है। हे भटकाती परी, इस घमंडी पर्वत का गमन करना है हमेशा के लिए चूर चूर, बना दे इससे भी विशाल पर्वत, जिसे देखकर हो जाए इसका गमन हमेशा के लिए दूर। देख लो महामाई, घमंडी पर्वत के पीछे उससे भी विशाल पर्वत बनाकर बिना उसे तोड़े या काटे मैंने उसका घमंड तोड़ दिया और वो अपने आप छोटा बन गया। वाह बालवीर वाह, आज तक जो काम किसी ने नहीं किया वो तूने करके दिखाया। हाँ बालवीर, तुमने मुझे बता दिया कि हमेशा संसार में कोई ना कोई आपसे ऊंचा है, आपसे शक्तिशाली। बालवीर, तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया और शर्त के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा पहला सुनहरा मोती दूंगा। वैसे क्या हो गया हमारे बच्चों को? जिस उम्र में उनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में दवाइयां हैं। प्लीज पिता, तुम हिम्मत मत हारो। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? और फिर तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो कि मानव और महर पर निगरानी रखने के लिए हम हैं? हाँ, बल्लू बेचारा तो अकेला है अपने चाचा के साथ, उसकी भी तो उम्र बड़ी होगी ना। मोटा भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मोटा भाई, मैं हमेशा भगवान जी से कहता था ना कि मुझे जल्दी से बड़ा कर दो, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने मेरी जगह गलती से मानव और महर को बड़ा कर दिया है। उन्हें लगा होगा कि मैं उनके रूम में सो रहा हूँ। महेश, प्लीज कुछ करो, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। स्मिता, ऐसे ऐसे हिम्मत मत हारो। देखो बालवीर है ना, बालवीर ऐसे पलक झपकते सब ठीक कर देगा, उसे वादा किया है ना, सब ठीक हो जाएगा। स्मिता पानी पी। स्मिता प्लीज रुक, पानी। मैं तब तक कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक मैं अपने कानों से ये नहीं सुन लेती कि मेरे बच्चों को ठीक करने का इलाज मिल गया। जी, बच्चों को ठीक करने का इलाज मिल गया। ओ पले पले, ओ शावा शावा, ओ पले पले, ओ शावा शावा। इसके पास है इलाज? ओ जी आंटी, हमें नहीं पता। तो फिर तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? ओ ताकि आंटी जी खा पी सके। ओ आंटी जी ने कहा ना कि वो तब तक खाएंगे पिएंगे नहीं
तब तक वो अपने कानों से नहीं सुन लेती कि बच्चों को ठीक करने का इलाज मिल गया। लेकिन कुकी पुकी, तुम लोगों ने ये दूरबीन क्यों लगा रखी है? ओ, क्योंकि चाचू हमारी दूर की नजर कमजोर हो गई है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।